Hi there. All of you smile. Yes, sir. अमन जी एक लास्ट सोलो आपका बस हो गया वाह 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 और एक लास्ट लास्ट श्याम जी अच्छा आप भी आइए जो पोज है बड़ा बेहतरीन पोज है जब होर्डिंग पे टंगेगा तो बिल्कुल लगेगा अभी अभी 500 रुपए का रिचार्ज करा के आई है ना फुल इंटरनेट 4G नहीं आप एकदम मुस्कुराते रहिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी ये जो पिक्चर्स आ रही है ना वो मुस्कुराते हुए पिक्चर्स हैं और क्या कमाल का आपका परफॉर्मेंस भी देखा आपने मतलब खुद भी सब कुछ हिलाया और दर्शक हिलाने और डुलाने और झुमाने पर बढ़ दिया एक्चुअली होता है कि जिस तरीके की ये पार्टी और डीजे वाले सोना हो तो उसका मजा नहीं आता है जो कि आपने पूरी तरीके से डूब करके और बेहतरीन तरीके से अपनी बेहतरीन अदाकारी से अरे सर मेरे भी फोटो ले रहे हैं क्या हाँ सर है ना बिल्कुल मतलब इनके फोटो लेने के बाद मेरी फोटो लेना बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि जैसे ऐश्वर्या राय के बाद मुलायम सिंह खाता दे रहा हूँ और वो बहुत टेंस थे रिकॉर्डिंग के टाइम पे मेरे को पता है ये जस्ट फ्लाइट से उतरे थे हमें पूरा वो रिकॉर्डिंग वाला मंजर याद आ रहा है रवि भाई मुझे और ये बस इतने इच्छुक थे इतने एक्साइटेड थे कि अमन भाई हो जाएगा ना गाना देखिए ऐसा है ये है इंस्टाग्राम है व्हाट्सएप है फेसबुक है सब कुछ ये आप गाने में सुन सकते हैं इन सब चीज़ों के जो जिक्र हुए हैं तो मैंने कहा ये ऐसा गाना है योगेंद्र भाई कि आपने जो लिखा है और आपने जो पिरोया है ऐसे ट्यून में ये बहुत ही जो वह कहते हैं हमारी भाषा में कमर्शियल भाषा में एकदम दौड़ने वाला गाना है कि एक बार लोगों को चढ़ गया है जबान पे गाना जहन में घुसने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और एक बार घुस गया तो एकदम चीर के निकलेगा और हमेशा हर मोबाइल में आपका ये मोबाइल सॉन्ग बजने ही वाला है तो रवि भाई और मैंने इनको आश्वासन दिया था तो पता नहीं कितने ये आश्वस्त हुए उस दिन पूरे हो गए थे और मुझे खुशी है कि आपको ये जो जैसे सॉन्ग शेप अप हुआ और सॉन्ग कैसे रिकॉर्डिंग से लेके शूट होके एडिट होके जैसे रवि भाई ने कहा फाइनल आउटपुट बहुत अच्छा है और तारा जी ने बहुत अच्छा इसमें अभिनय किया है और आपने भी बहुत अच्छा डीजे का अभिनय किया है मेरे को पता है लोगों को पता ही नहीं अभी तक कि वो जो चश्मा लगा के डीजे में ऐसे से स्क्रैचिंग कर रहे हैं वो योगेंद्र नागदा जी ही हैं तो एक बार जोरदार तालियां मल्टी टैलेंटेड योगेंद्र जी के लिए यहाँ पे लिखना चाहिए था रिटन कम्पोज एंड डीजिंग डन बाय योगेंद्र नागदा जी तो चार लाइनें गुनगुनाऊंगा मैं आप लोगों के सामने जो है आने की भर के पाली फानिक ड्यून तेरी बना दूं मैं MP3 एंड्रॉइड के सिस्टम में तेरी बना दूं मैं वीडियो फाइल मैं लवर तेरा मोबाइल है मैं लवर तेरा मोबाइल है बहुत इजी है यार भजन भी इससे कठिन होते हैं तो जरा जोर से हर एक बंदे की 50 लोग हैं यहाँ पे 50 लोगों की आवाज 500 आनी चाहिए बेलवर तेरा मोबाइल ओ बेलवर तेरा मोबाइल तू लवर तू लवर तो तुम बोलोगे ना तू लवर मेरा मोबाइल तू लवर मेरा मोबाइल सुन मोबाइल रुद्र जी की याद दिला दी क्या बात है ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बहुत लोग और हैं और बहुत अच्छा लगा रवि भाई और कि आपने इतने और सबसे बड़ी जो शॉक ऑफ द डे था न्यूज ऑफ द डे थी ब्रेकिंग न्यूज जो कि जो रवि जी के जीवन की अलग अलग यात्राएं रही हैं शायद उन्हीं यात्राओं की वजह से इतना अनुभव है ये क्या होता है कि बहुत सारे भूत हमारी जिंदगी में आते हैं जो दिखते नहीं है ये तो मैं कुछ एक वर्चुअल भूत की मैं यात्रा कर रहा था
बट वैसे बहुत सारे भूत हमारी जिंदगी में आते हैं जो एक्चुअली इंसान होते हैं मगर लगते भूत हैं। भूतों के तरह पीछे पड़ जाते हैं जिनका खुद का फोटो तो मिले हुए। तो जोरदार तालियों से मेरे भूत नगर की जो यात्रा है ये पुस्तक का विमोचन आज इस मंच के माध्यम से हो रहा है आप सब के बीच में। मैं रवि जी को आप सबकी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ एक ऐसी कृति में जिन्होंने निसंदेह एक अच्छा खासा समय लगता है पुस्तक को लिखने में और तैयार करके आप लोगों के बीच तक लाए। ये वाकई में कमाल है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, मेरे को लग रहा है ये 9 नवंबर वाली तालियां हैं। तालियां बज रही दिख नहीं रही। हमें 2-3 लोग दे दें आप। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे मित्र रवि भाटिया जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे एल्बम और बहुत सारे एड फिल्म शूट किए हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो उनके आमंत्रण पे मैं यहाँ पर आया और जब मैंने देखा, मैंने पूरा गाना सुना और गाने का वीडियो देखा, अद्भुत और कमाल का वीडियो बनाया है कि जिस तरीके से कम संसाधनों में आज के लिए और आज के माहौल के हिसाब से जो गीत और संगीत जो आज के युवा सुनना चाहते हैं, एक ऐसे ही गीत संगीत को रवि भाटिया जी ने अपने इस स्टूडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है जो वाकई में काबिल तारीफ़ है। जिस तरीके से जो सॉन्ग है मोबाइलर, आज मतलब मोबाइलर या मोबाइल कहें, इसके बगैर युवाओं का यूथ का जीवन बेकार है। बगैर मोबाइल के ना किसी लड़की से आप प्रेम कर सकते हैं, ना किसी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, ना इंटरनेट, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल इनके सॉन्ग में हुआ है जो आजकल के यूथ को डायरेक्ट कनेक्ट करता है। तो बड़ा बेहतरीन सॉन्ग है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये गाना काफ़ी लोगों तक पहुँचे और लोग इसको सुने और सराहें। आजकल क्या चल रहा है मेरे बारे में जो कोई पूछे आजकल आपका क्या चल रहा, तो मैं आपको बताता हूँ मैं खुद ही चल रहा हूँ। और ये कमाल की बात है कि आप खुद चलते रहें। मैं कॉमेडियन हूं और कॉमेडियन होने के नाते मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। बीइंग ए राइटर, मैं मोर सेंस एकर से लेकर के काफ़ी समय तक बहुत सारे शोज़ लिखे, तो अभी भी मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूं। जस्ट मैंने अभी एक कॉमेडी फिल्म पहली बार मैंने लिखी, तैयार की है, ऑलमोस्ट उसके स्क्रिप्ट तैयार है, अब उसके बाद उसके फिल्मांकन का काम शुरू होगा। इस बीच मैंने एक बुक पे काम किया, वो बुक मेरी रेडी है, वो भी आपके सामने आने वाली है। एक नया टीवी शो जो बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने एक जो नया काम किया है कि जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जो होते हैं समाज में, पॉलिटिक्स में, खबरों में, उन विषयों पे मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ आजकल, जो अपने पारिवारिक मेंबर्स के साथ में, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ आपस में मिल करके छोटे छोटे जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ होते हैं उनको वीडियोस बनाते हैं और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अब तो हालत ये हो गई है कि अगर 2-3-4 दिन वीडियो न डालो तो कई लोगों को फ़ोन आने लगते हैं, सर आपका नया कुछ आया नहीं है अभी तक। सो ये एक नई चीज़ जो मुझे मेरे हाथ लगी है, इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इसको मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करूंगा। अरे साउंड क्या हो रहा है? मैंने तो मस्ती में ये काम शुरू किया था वीडियो बनाने का। मैंने अपने बेटे के साथ एक वीडियो बनाया जो पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में जो साइकिल की छीना झपटी को लेकर का जो हाहाकार मचा हुआ था, उसके ऊपर मैंने छोटा सा वीडियो बनाया और वो वीडियो इतना पॉपुलर हुआ, मुझे खुद को यकीन नहीं, मुझे लगा कि चलो मेरे दोस्त यार आपस में देखेंगे, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में उसको कम से कम 3 से 3.5 करोड़ लोगों ने देखा। और ख़ास बात, उस वीडियो का इस्तेमाल एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने प्रचार के लिए भी मेरी बगैर अनुमति के किया। मतलब उस वीडियो की खासियत इतनी थी। चलो मैं खुश होंगे मेरी बात को लोग इतना सराह रहे हैं या कहीं किसी के इस्तेमाल करने लायक है। उसके बाद मैंने दूसरे, तीसरे, चौथे जो ताज़ा अपडेट विषयों पे मैं करंट और ताज़ा तरीन विषयों पे मैं वीडियोस बनाता हूँ और लोगों तक पहुँचाता हूँ, जो लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं। और अभी इसको मैं बहुत करीने से आप लोगों के बीच में लाने वाला हूँ, जिसका नाम है ह्यूमर ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के अंदर जो इतना ह्यूमर फैला हुआ है, उसी ह्यूमर को अगर आप तक मैं पहुँचाऊँ
तो आप उसमें आनंदित होते रहेंगे। और अब मैं इतना सारा काम करने के बाद में कम से कम अब इस स्तर पर पहुंच गया हूं कि लोगों को प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, और आज हर किसी के पास प्लेटफॉर्म खुद चल करके आ रहे हैं। तो आपके अंदर अगर टैलेंट है, आपके अंदर कोई बात है, आपके अंदर कंटेंट है, आपके पास बेहतर कंटेंट है, तो आप निसंदेह लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, और लोग उस बात को पसंद करेंगे और आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा होगी, आपको लोग प्यार करेंगे। थैंक यू सर। नहीं, आपकी से कह रहा हूँ मैं। बोलिए, आपका नाम? तारा शुक्ला। सॉरी, तारा। तारा, तारा अगर बात करें, क्या कहना चाहिए आज एल्बम के बारे में? इस एल्बम को लेके मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली अभी तक मैंने जो काम किया उसको ज़्यादा क्रेडिट तो मिल नहीं पाया है, बट इस एल्बम को लेके मैं इतनी ज़्यादा होप्स लेकर मींस बैठी हुई हूँ कि इट्स जस्ट ऑब्वियसली मुझे सक्सेस मिलेगी इस एल्बम से। आई नो इट वेरी वेल। नाम क्या है एल्बम का? मैं लवर तेरा मोबाइलर, मींस मोबाइलर गर्ल। इस एल्बम का नाम है मोबाइलर गर्ल, जो कि मैं हूँ। वीडियो में क्या दिखाया गया है? वीडियो में दिखाया है कि लड़की जैसे ही डिस्क में एंटर करती है और लड़का जैसे ही देखता है तो वो मोबाइल जस्ट स्टार्ट करता है कि मोबाइल से ही कनेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज सामने सामने तो लड़की इतनी एटीट्यूड शो कर रही है, सो इट्स इम्पॉसिबल कि किस तरह से लड़की से कनेक्ट किया जाए। देन ही स्टार्टेड टू मैसेज एंड ऑल, किसी तरह से मेरा नंबर निकाल के, देन उसका सॉन्ग गाना मैं लवर तेरा मोबाइलर, देन मेरा भी रिप्लाई करना तू लवर मेरा मोबाइलर, देन आफ्टर ऑल आखिर में क्या होता है, लड़की पढ़ जाती है, सो दैट्स इट। मैंने सम सीरियल्स में काम किया हुआ है, DD1 के सीरियल्स में, एंड मैंने कुछ एल्बम्स में किए हैं। मैंने जैसा कि बोला मुझे ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिला है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, एंड बस यही बोलूँगी कि आप ये एल्बम से मुझे जिस तरह से सक्सेस मिल सकती है, आई होप, क्रॉस द फिंगर। या मैं, मेरा नाम तारा है और इस सॉन्ग में तारा नाम तो इतनी बार लिया गया है कि जैसे आईवा शॉक कि मेरा नाम से ही सॉन्ग बना हुआ है। एंड तारा रे 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 तारा रे रे रा क्या था, सॉरी इट्स ओके, बिकॉज़ आई एम नॉट ए गुड सिंगर, दैट्स व्हाई। विजुअल ले लो एक मिनट। थैंक यू सर। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम योगेंद्र नागदा है, मध्य प्रदेश के नीमच जिले के गांव में निवास करता हूं, और बचपन से ही गाने लिखने का शौक़ था, कई साल से मेहनत कर ही रहे हैं। पहले भक्ति एल्बम भी विनस ने रिलीज़ करी थी, राजस्थानी एल्बम भी रिलीज़ हुई थी, पहली बार ये बॉलीवुड की एल्बम उन्होंने की है, और इसमें गीत लिखे हैं, संगीत दिया है, और मौका मिलने की वजह से थोड़ी बहुत गाने में DJ की एक्टिंग भी की है। किस तरह की एल्बम है, क्या टाइटल है? टाइटल है तू लवर मेरा मोबाइलर। पहले लोग प्रेम करने के लिए, लव करने के लिए चिट्ठी लिखा करते थे, संदेश दिया करते थे, धीरे धीरे युग बदलता गया, आज की स्थिति में हर व्यक्ति मोबाइल से लव करता है। तो इसमें एक वर्ड मैंने दिया है कि मोबाइल से लव करने वाला, अर्थात मोबाइलर, ये एक नया वर्ड मैंने आपके लिए, सबके लिए बनाया है, मोबाइलर। सारे लड़के लड़कियाँ आजकल मोबाइलर हो चुके हैं, मोबाइल से ही लव करते हैं, और वैसे कोई चिट्ठी लिखेंगे नहीं, उनको बात करने की भी फुर्सत नहीं है, बोले पास में बैठ जाओगे तो तीसरे व्यक्ति से चैटिंग करेंगे, तीन लोग साथ में बैठ जाएंगे तो चौथे व्यक्ति से चैटिंग करेंगे, परंतु करेंगे मोबाइल से, इसलिए इसका वर्ड मैंने मोबाइलर लिखा, मोबाइल से लव करने वाला। जहन में कैसे आपको इस पे एल्बम बनाना चाहिए? एल्बम में खर्चा है, पैसे लगते हैं, एक एक्सपोजर मिलता है आर्टिस्ट को, अपनी पहचान मिलती है, तो मुश्किल होता है सब चीज़ें? विचार तो ये, जब मैं ऑफिस जाता था, मैं अपने खेत पे जाता था, गांव में जाता था, जहाँ जहाँ जाता था, मैं किसी के भी पास बैठूं, 10 लोग भी हम साथ में बैठ गए तो 10 ही चुपचाप हैं, और मोबाइल से कोई किसी से चैटिंग कर रहा है, कोई किसी से चैटिंग कर रहा है, उनको आपस में बात करने का टाइम नहीं है, वो मोबाइल से चैटिंग कर रहे हैं। तो उस समय मेरे जहन में आया था कि इस मोबाइल के ऊपर, इस सिचुएशन के ऊपर मुझे गाना लिखना है। फिर मैंने गाना लिखा, उसकी धुन बनाई, फिर चूंकि संसाधनों की जरूरत पड़ती है, अपन इतना कर नहीं पाते हैं, तो रवि जी भाटिया ने फिर इसको बनवाया, और सारा कार्यक्रम उन्हीं का रहा, अपनों ने सिर्फ लिखा और धुन बनाई।
और उनके कहने से उन्होंने इसमें एक्टिंग भी की। क्या उम्मीदें हैं इससे आपसे? मुझे उम्मीद है कि आज के परिवेश में जो गाना है, डिस्को का गाना है, डांस का गाना है, शादी का गाना है, पार्टी का गाना है, मोबाइल का गाना है, प्रेम का गाना है, तो धूम मचाएगा। ये इंदौर में भी आएगा। लाइट परफेक्ट है ना पीछे? सब परफेक्ट है यार, आओ ले लो पीछे का गिलास। सर फर्स्ट ऑल आपका नाम? रवि भाटिया। रवि जी, बात करें आज जो है ओपनिंग हुआ है, क्या है, अनवील करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ, एज ए निर्देशक, एज ए डायरेक्टर, जब योगेंद्र जी ने मेरे को कांटेक्ट किया और मुझे बोला कि ये गाना का वीडियो बनाना है, तो पहले मैंने गाना सुना तो मुझे थोड़ा सा अलग से वर्ड लगे, टेक्निकल वर्ड लगे कि क्या MP3 ये सब, बट जब मैंने गाने को थोड़ा वापस से चार बार सुना और मैंने फिर अमन और रितु जी ने गाना गाया और जब गाना पूरा रेडी हो गया तो हमें अच्छा लगने लगा। गाना गाने के अंदर काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग होने की, डांस करने का दिल करने लगा, तो फिर हमने इसका वीडियो बनाया। तो वीडियो बनाने में जो भी क्रिएटिविटी लगती है, जो मेहनत लगती है, वो मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की और फाइनली आज हमारा अच्छा वीडियो आउट हुआ और आज हम लोगों ने यहाँ पे मोबाइलर गाना लॉन्च किया है। क्या है लाइनें? नाम नाम का टाइटल क्या है? मोबाइलर। मोबाइलर गाना इसलिए बोलते हैं क्योंकि गाने का जो टाइटल है तू लवर मेरा मोबाइलर, तो जो लोग अक्सर प्यार का इजहार करते हैं और मोबाइलर पे करते हैं तो मोबाइल से ही एक्चुअली प्यार कर रहे हैं वो लोग। लव डिजिटल हो गया है, डिजिटल इंडिया की बात चल रही है तो यहाँ पे लव भी डिजिटल हो चुका है मोबाइलर से लोग। हाँ, मेक इन इंडिया बोलिए या आप डिजिटल इंडिया बोलिए, बट अभी मोबाइल पे लव हो रहा है तो मोबाइल का गाना बनना बहुत ज़रूरी है। तू लवर मेरा मोबाइलर, मैं लवर तेरा मोबाइलर, लारा री रा डा रा डा रा री री रा तारा। देखो उधर से अमन जी बोल रहे हैं, पेट पे लात मत मारो अमन जी। अभी मैं अमन जी के साथ ही गाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उनके बगैर गाऊं, और ये क्लिप मत डालिएगा प्लीज। कहाँ कहाँ पे शूट किया गया ये? ये स्टूडियो मैक्स में शूट हुआ है जहाँ पे आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं और यहीं पे पूरा गाना हमने पिक्चराइज किया और काफ़ी यहाँ पे सेट चेंज करते गए और हम लोग लाइटिंग चेंज करते गए और हम इसको पिक्चराइज करते गए, तो फाइनली अनबिलीवेबल सा कुछ रिजल्ट आ गया है। बट अच्छा हुआ, ये गाना जो भी था सब लोगों को पसंद आ रहा है और आई थिंक कुछ वीडियो भी कुछ अच्छा जाने के आसार मुझे को दिख रहे हैं। एल्बम में किसी ने किसी को इंट्रोड्यूस किया जाता, आपने तारा को लॉन्च किया, क्या कहना चाहेंगे? तारा एक अच्छी मेहनती लड़की है, तारा बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी है, लोग एम्बिशियस होते हैं मगर लोग मेहनत नहीं करना चाहते, तो मैंने तारा के अंदर एक टैलेंट देखा कि वो बहुत एम्बिशियस होने के साथ साथ मेहनती बहुत है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, अपने टाइम की बड़ी पंचुअल है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति फोकस्ड है, तो मैंने इसलिए तारा को ही चुना और तारा ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है, सो गॉड ब्लेस हर, कि मुझे लगता है कि वो लड़की बहुत आगे जाएगी। सिंगर की बात करें, कौन है इसमें सिंगिंग किसने की है? अमन त्रिखा जी और रितु पाठक जी ने गाना ये हमारा मोबाइलर गाया है और बहुत ही अच्छा बन पड़ा है, सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऑडियंस को पसंद आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। तारा रवि जी, आप नए नए चेहरे को लॉन्च करते हैं, अभी अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये मेरा है कि मैं बहुत ही एक ऐसा सिंगर लाने वाला हूँ मार्केट में, बहुत अपकमिंग यूथ सिंगर मैं लाने वाला हूँ जिसका नाम है आयुष। आयुष जो है, आयुष हमारे बहुत सारे भी नए एल्बम्स गा रहा है, बहुत सारे गाने गा रहा है, बहुत सारी गज़ल्स गा रहा है मेरी लिखी हुई, सो आने वाले वीडियोस हमारे हैं और आप ऑडियंस को बोलो और अपने बारे में थोड़ा बताओ। ये बहुत ही मजा हुआ सिंगर। आयुष क्या क्या किया अभी तक आपने? आई हैव परफॉर्म्ड मैनी शोज़ और थोड़े जिंगल्स गाए हैं, फिल्मों में गा रहे हैं, कुछ चीज़ें बाहर आने वाली हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं भी वेट कर रहा हूँ एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, रवि सर के साथ काम करना है और उन्होंने वो काफ़ी भरोसा करते हैं मुझ पर, मेरी गायकी पर, एंड बहुत अच्छा लगता है जब आप पे कोई भरोसा करता है, आपको कोई चीज़ें देता है। पब्लिक आप पे कैसे भरोसा करता है, आप गुनगुनाएंगे नहीं गाना गुनगुनाएंगे? मैं ऐसे एक चीज़ गुनगुना देता हूँ, तुम चैन हो करार हो, मेरा इश्क हो मेरा प्यार हो, बरसों किया जिसका मैंने, तुम वही इंतजार हो, तुम चैन हो करार हो, मेरा इश्क हो मेरा प्यार हो। थैंक यू सो मच। अब
अमन जी क्या कहना चाहेंगे, आज एक मसाला बनके तैयार है, मसाला जो है बहुत तड़कदार है और बहुत ही तड़कदार मसाला तैयार हुआ रवि भाटिया जी के बैनर तले और योगेंद्र नागदा जी ने इसे लिखा है, कंपोज किया है और मैं समझता हूँ कि आजकल की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए ये गाना लिखा है, मैं लवर तेरा मोबाइलर, और गाने में बड़ा मज़ा आया, अलग टाइप का गाना है और मैंने रैप भी किया है इसमें, तो पहला ये गाना है जिसमें मैंने रैप किया है जो रिलीज हुआ है, काफ़ी गानों में मैंने किया बट रिलीज़ जो हुआ है ये पहला गाना है जिसमें मैंने गाया भी और रैप पोर्शन भी आप जो सुन रहे हैं, मैं लवर तेरा मोबाइल अटर चेक मी ऑन ट्रू कॉल और इंस्टाग्राम पे, तो ये सब जो है बहुत अच्छा लगता है आजकल की जनरेशन को। मूड तो सर पार्टी मूड है, डिस्को सॉन्ग है, डिस्को में शूट किया है और वाइब बड़ी यंग वाइब है, यंग जनरेशन को मद्देनज़र रखते हुए जैसे मैंने कहा वैसे ही एग्जीक्यूट किया है गाने को और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने शूट किया है, अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है और गाने में जो मूड मुझे कहा था वो ही एक उम्फ फैक्टर वाला है कि एक हॉट सी लड़की जो है वो डांस कर रही है और आप उसको कैसे अपना जो है प्यार जाहिर करोगे मोबाइल की भाषा में, तो वैसा किया है। जब तक आपकी आवाज़ में सुनना चाहेंगे वो तेरी बना दूं मैं MP3 एंड्रॉइड के सिस्टम में, तेरी बना दूं मैं वीडियो फाइल, मैं लवर तेरा मोबाइलर चेक मी ऑन। होली पे क्या चल रहा है, कौन सा गाना तैयार किया आपने? होली पे मोबाइलरी रंग उड़ेलेगा हर जगह और बाकी सारे गाने हैं, काफ़ी फिल्मों में लाइंड अप हैं मेरे गाने, तो नेक्स्ट मंथ और अप्रैल मार्च के महीने में टचवुड बहुत जल्दी आप सुनेंगे गाने। थैंक यू। हाँ मजा है। भर के पॉलीफोनिक ट्यून तेरी बना दूं MP3 एंड्रॉइड के सिस्टम में, तेरी बना दूं मैं वीडियो फाइल, क्योंकि मैं लवर तेरा मोबाइलर Everything is at एक बटन आपने दबाया और दुनिया भर की सारी चीज़ें उस मोबाइल में आपके सामने आ जाती हैं। एंड एज फार एज द टू सिंगर्स आई थिंक एज एन एक्टर परफॉर्मेंस में जैसे आपकी रेंज होनी चाहिए, ठीक उसी तरह से एज अ सिंगर यू शुड हैव अ रेंज टू सिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो कोशिश अच्छी है एंड आई एम श्योर कि लोगों को पसंद भी आएगा। The video is very nice. जो लड़की हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं, so I'm sure it's going to be a hit. Okay, who's your famous rapper from the Bollywood? Well, original तो हनी सिंह ही मेरे लिए हमेशा रहे हैं and he will always be my favorite. उसके अलावा बहुत से लोग आ रहे हैं आते रहेंगे but जो एक space, एक जगह, एक मुकाम हनी सिंह ने अपने लिए बना लिया है I don't think so कोई उसे and the best part is कि हनी के जो लिरिक्स हैं विद म्यूजिक एंड जिस तरह से वो रैप करते हैं वो सब उसका जो अमैलगमेशन है जो मिश्रण है वो बहुत कमाल का है, जो बाकी उनके बाद जितने लोग हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं वो सब में इतना नहीं है। सो फॉर मी हनी सिंह विल ऑलवेज बी द ओरिजिनल। ओके, व्हाट्स हैपनिंग ऑन प्रोफेशनल फ्रंट? वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ फिल्म्स एंड जस्ट फिनिश्ड अ फिल्म इन गोवा कॉल्ड ब्रोकन, सो इट्स अ इंग्लिश इंडो वेंचर। उसके अलावा आई एम ट्रैवलिंग होस्टिंग इवेंट्स, बाकी टेलीविजन की एक दो चीज़ें हैं तो वो एक बार वंस इट सॉर्टेड आउट तभी मैं उसके बारे में बात कर पाऊँ। Do you think now their collaboration with different countries are also giving a positive side? Riyam is also coming with Irani collaboration with India government. Why not? I think आज जैसे आपने बोला कि मोबाइल में सब कुछ नज़र आता है एंड इंटरनेट का ज़माना है और दुनिया सुकड़ के एक छोटे से मोबाइल में पहुँच गई है,
तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी और एक्टर्स के लिए आज मीडियम पूरी तरह से खुल गया है. अलग अलग तरह की फिल्में बनती हैं. अगर वो कोलैबोरेशन अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग कंपनीज के साथ हो तो उसमें हर्ज क्या है. इट्स अ विनिंग टाइम फॉर एवरीवन. थैंक यू सो मच सर. प्लेजर. प्लेजर टॉकिंग. हाय सर. ऑल ऑफ यू स्माइल. यस सर. अमन जी एक लास्ट सोलो आपका बस हो गया. और एक लास्ट लास्ट श्याम जी. अच्छा आप भी आइए. एक मिनट.